2019 में आया हुआ एक और दमदार शानदार जबरदस्त होशियार बहादुर तेज तराब सारे तरह का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 32 देखना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम वही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं हमेशा से एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। यहां देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है, ये चीज और यहीं पे ये चीज है, दोनों में अंतर क्या है, प्लस और माइनस का। क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, उसको इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से दिखा रहा हूं, माइनस का साइन लगा दिया, ये ऐसे ले लिया और ये ऐसे ही करना, ब्रैकेट का यूज करना वरना आप गड़बड़ कर दोगे, ब्रैकेट का यूज करना वरना आप गड़बड़ कर दोगे पक्का। कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, मतलब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि इस दोनों को मुझे 2 के इक्वल टू करना है। आई बात समझ में, वरना अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही अगर आप देखते तो आप पक्का डर जाते और आप करते ही ना, पता नहीं क्या क्या तरीके लगाते। क्वेश्चन को ध्यान से देख के क्या करना है कैसे करना है बहुत अच्छे से सीखो। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं सारे एक एक स्टेप आपको समझा दूं कि एग्जाम में आपको टैकल कैसे करना है नए क्वेश्चन को देख के। ये नहीं कि नया क्वेश्चन देखा नहीं और आप परेशान हो गए और खिंड गए, मतलब इन द सेंस समझ में नहीं आया कि स्टार्ट कहां से करूं, कि एकदम दिमाग चेक कराया गया। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से और समझ में आया, देखो अब क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, साइन कॉमन आ रहा है तो मैंने साइन थीटा को बाहर निकाल लिया, तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, एक ब्रैकेट में ये रहा और बीच में क्या साइन है, माइनस का, और इधर से देखो फिर वही 1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, एक दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए एलसीएम, ठीक है, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई में और ये इधर मल्टीप्लाई में, देखना ध्यान से याद रखना, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करना और साइन होगा, तो यहां से क्या आएगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, एक ब्रैकेट में, बीच में क्या साइन है, माइनस, ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट बंद, अपॉन में पूरे के क्या आएगा, देखो ध्यान से, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। नीचे वाला आपको दिखा कुछ, यहां देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी, अब ऊपर वाले को देखो ध्यान से, ऊपर वाले को क्या करना है, मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को हमें 2 के इक्वल लाना है, ठीक है, तो 2 के इक्वल तो आ ही गया, ठीक है, देखना ध्यान से अच्छे से, ठीक है, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, साइन थीटा तो यही रहा, कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का कोट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है कोई दिक्कत यहां तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट बन, ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, कोट से कोट कट गया, बिल्कुल सर कट गया, यहां पे क्या बचा, साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर देखो 1 और 1 2 तो माइनस का 2 कोसेक थीटा, और देखो नीचे ध्यान से हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई और कितनों को समझ में नहीं आई, सर आपने माइनस कॉमन क्यों लिया, देखो हमें आंसर में 2 चाहिए और माइनस का 2 आ रहा है तो ये किसी तरीके से हटेगा नहीं, ये तभी हटेगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई चीज आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या अपॉन में माइनस आ जाए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरे को यहां से आइडिया आया कि भाई ये चीज तो 1 होती है लेकिन इसमें उल्टा है तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया। अब ये इससे कट गए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास क्या बता, ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा, अब हमें पता है कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा इंटू 2 इंटू इस कोसेक की जगह ये लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। आई बात समझ में, तो देखो इस साइन से ये साइन कर दिया तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 2, यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में, देखो क्वेश्चन की ब्यूटी देखो और क्वेश्चन के करने का तरीका सीखो बेटा, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखो, रटो मत, मैं कहता हूं ना कि रटोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा,
समझ के करोगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। आप लोग मैथ को रटते हो, समझते नहीं हो, और जबकि यकीन मानो यार मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको याद नहीं रखना होता, इसको सीखा जाता है, लर्निंग सब्जेक्ट है। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं।